हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का शुद्ध शाकाहारी भोजन में। आज हमने 400 ग्राम ये पनीर लिया हुआ है, बिल्कुल फ्रेश। बहुत ही अच्छी सी इसकी हम सब्जी बनाने वाले हैं पनीर की, और बहुत सारे इसमें हम मसाले का यूज़ करेंगे। तो आप देखिए कि हम इसको कैसे बनाते हैं। तो इसमें हम प्याज जो डालेंगे उसका शेप बिल्कुल मोटा मोटा और बड़ा होना चाहिए। तो ये 5 हमने प्याज लिया हुआ था और उसको तो बिल्कुल मोटी मोटी बड़ी बड़ी कटिंग की है। तो मसाले में जो है हम यहाँ पे डालेंगे तो कुछ पेस्ट हम डालेंगे। तो ये है 2 बड़ी चम्मच काले मिर्च जो आप देख सकते हैं, और धनिया का ये बीज है जो 2.5 चम्मच है, 2.5 बड़ी चम्मच हमने लिया हुआ है। और ये जावित्री है जो कि 1 बड़ी चम्मच हमने ली हुई है, और 3 लौंग डालेंगे इसमें हम, और लौंग इलायची जो है 2 इलायची डालेंगे। बहुत टेस्टी सब्जी लगता है इलायची लौंग से। और तीखा के अनुसार 2 छोटी चम्मच हमने लाल मिर्च मसाला लिया हुआ है। तो इन मसाले को हम पेस्ट बनाएंगे, जो धनिया जीरा अरे धनिया काले मिर्च और ये हमने जो लौंग इलायची लिया इसको पीस करके पेस्ट बनाएंगे। और ये अदरक लहसुन है तो इसको भी पेस्ट बना करके हम अलग से डालेंगे, और इसमें हम थोड़ा सा नमक मिक्स करके इसी में ही मिक्स करके डालेंगे। तो पहले तो हम शुरू करते हैं बनाना। कढ़ाई जो है गरम हो रही है हमारी, तो हम यहाँ कुकिंग ऑयल जो हम यूज़ करते हैं डेली ऑयल के बेस पे, हम यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल यूज़ करते हैं। सरसों का तेल ही हम खाते हैं, अच्छा लगता है इसका टेस्ट। तो प्याज जो है हम डाल दिए हैं यहाँ पे, और अब प्याज को हम गैस का फ्लेम थोड़ा हाई करके इसको भूजेंगे, और भूजने के बाद थोड़ा सा मीडियम करके छोड़ दें सेंटर में करके। तो मसाले आप देख सकते हैं पीस करके हमने तैयार कर लिया है, जो हमने काले मिर्च और जावित्री और धनिया लिया हुआ था, और इसमें ही हम लाल मिर्च मसाला डाल देंगे, और इसमें हम हल्दी भी डाल देंगे। 2 छोटी चम्मच हल्दी हमने डाला हुआ है, और इसको अच्छे से मिला लेंगे मसाले में ही, मिला करके इसको डाल दे रहे हैं। अब इसको डालने के बाद इसको अच्छे से मसाले को पकानी है बिल्कुल। बिल्कुल अच्छे से इसको भूजते रहें, क्योंकि पिसा हुआ मसाला है, थोड़ा सा इसको पका ले। इसमें हमने लौंग इलायची भी पिसा हुआ है, तो आप देख सकते हैं तेल निकल रहा है, तेल अगर किनारे से निकल रहा है समझिए कि ये पक रही है। अब यहाँ लहसुन और अदरक का पेस्ट है, और इसमें ही हमने स्वाद अनुसार नमक ऐड कर दिया था पेस्ट में ही, क्योंकि दोनों अच्छे से मिल जाएगा तो अच्छा सा टेस्ट आता है इसका। तो इसमें हम डाल दें, वैसे आप ऊपर से भी डाल सकते हैं, मिलने को तो कभी भी मिल जाएगा, लेकिन हमने लहसुन और अदरक के पेस्ट में ही डाल दिया था। तो गैस का फ्लेम हाई करके मसाले को भूजिए, और जब चिपकने लगे तो थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल करके भूजते रहें इसको, और थोड़ा ज़्यादा टाइम तक भूजें, क्योंकि जितना पकेगा उतना ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो अगर आवश्यकता पड़े तो थोड़ा थोड़ा और पानी डाल करके इसको भूजते रहें मसाले को। एक बार में बहुत ज्यादा नहीं डालना है, बस बस तक चिपके ना, उस हिसाब से डालनी है। तो आप देख सकते हैं मसाले जो है वो हमारी कितनी अच्छी सी लग रही है, एकदम अच्छा सा पक गया है, बिल्कुल स्पाइसी सा। तो अब हम रस्सा डालेंगे, क्योंकि हम रस्सेदार बनाने वाले हैं, तो अब हम पानी ऐड कर रहे हैं। तो आप अपने रस्सा के अनुसार जितना आप रस्सा देना चाहें, जितना ज्यादा रस्सेदार बनाना चाहें, उतना पानी आप डाल सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कितनी टेस्टी सी ये ग्रेवी पूरी तैयार हो रही है, बहुत स्वादिष्ट सा। तो एक उबाल आ जाने दीजिए, और जब उबाल अच्छे से आ जाएगी तो बाद में जा करके हम यहाँ पे इसमें पनीर ऐड करेंगे। तो हमने थोड़ा सा पानी और डाल दिया है, तो अब ये उबाल आ चुकी है, अब हम पनीर को डालेंगे। और पनीर को डाल करके बहुत ज़्यादा देर नहीं छोड़ना है, हल्का सा, बस आधे से 1 मिनट तक इसको ग्रेवी के साथ में छोड़नी है, फिर गैस का हम बंद कर देंगे। तो आप देख रहे हैं कि सब्जी जो है वो कितनी अच्छी से बन रही है, और इतना अच्छा जितना दिख नहीं रहा है उतना उससे ज़्यादा ये अच्छा आपको स्क्रीन पर नहीं दिख रहा होगा, बट बहुत अच्छा सा ये बना हुआ है, हमने खाया, बहुत टेस्टी सा। तो आप भी इसको बनाइए और टेस्टी सा खाना खाइए, पनीर की ये टेस्टी सी सब्जी, और इस तरीके से बना करके खाइए। और आप पनीर की सब्जी कैसे बनाते हैं हमको ज़रूर से बताइएगा, और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर से शेयर करें। और पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कैसा लगा हमें ज़रूर से बताएं।